देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। अखिल भारतीय श्री जीन श्वेतांबर मूर्ति पूजन युवक महासंघ द्वारा भगवान आदिनाथ जन्म कल्याणक पर भव्य पालकी यात्रा का आयोजन। जैन समाज के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव 15 मार्च बुधवार को परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दिन अखिल भारतीय श्री श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजन युवक महासंघ इंदौर इकाई द्वारा प्रातः 8 बजे एक पालकी यात्रा पीपली बाजार सफेद मंदिर से निकाली गई। अध्यक्ष शैलेंद्र जैन एवं महासचिव प्रीतेश ओस्तवाल अमित श्रीमाल ने बताया कि यात्रा सफेद मंदिर पीपली बाजार से प्रारंभ होकर पुनः वहीं पहुंची। यहां पर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के समक्ष अष्ट प्रकारी पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जनता ने भाग लिया। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील गांग एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय छाजेड़ एवं ललित सी जैन अनुसार नवकार परिवार के युवा साथी पूजन के वस्त्र में प्रभु आदिनाथ को भव्य एवं सुसज्जित पालकी में विराजमान कर उन्हें अपने कंधों पर लेकर बड़े उत्साह के साथ भजन मंडली के साथ झूमते नाचते गाते चल रहे थे। साथ ही विभिन्न महिला मंडल रंग बिरंगी वेशभूषा में नारे लगाते एवं ध्वज लहराते चल रही थी। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद चोरड़िया, अक्षय बम, विकास सांड, नितेश सोनगरा, पीयूष जैन, रुचिल डोसी, अमित नाहटा, महिब मारू, संजय सावन सुखा, जयेश पालरेचा एवं शैलेंद्र बोहरा ने जानकारी दी कि महोत्सव में प्रवचन दक्ष पूज्य मुनिराज श्री रजत चंद्र विजयी एवं साध्वी वर्द्या परम पूज्य श्री जितय शाह श्री जी महाराज साहब, श्री गिन्याज्ञा श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा ने अपनी पावन कारी निष्ठा प्रदान की। पूज्य गुरुदेव ने अपने आशीर्वचन में दादा आदिनाथ के इस महोत्सव को उत्साहपूर्ण मनाने हेतु युवा साथियों को धन्यवाद दिया। निवृत्तमान अध्यक्ष नीलेश सकलेचा ने बताया कि इस अवसर पर मानव सेवा गतिविधि के तहत पंडित जी सेवा न्यास के माध्यम से शासकीय कैंसर हॉस्पिटल में दवाइयाँ एवं खाद्यान्न सामग्री हेतु अर्थ सहायता प्रदान की। अष्टमी को आदिनाथ जन्म कल्याण के अवसर पर मूर्ति पूजक युवक महासंघ द्वारा शहर में 12वें वर्ष लगातार पालकी यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पूज्य रजत विजय जी महाराज साहब और दिव्य चंद्र विजय जी महाराज साहब ने निष्ठा प्रदान की है। 11 महिला मंडल पालकी में नौकार परिवार के साथ ही पालकी पूजा के अवसर में लेकर चल रहे हैं और हजारों की जनमेदनी समारोह में उपस्थित है। आज इस कार्यक्रम में पधारे सभी श्रद्धालुओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं युवक महासंघ की। महासंघ आदिनाथ भगवान का जन्मोत्सव दीक्षा कल्याणक बड़े ही धूमधाम से मनाता है। ये इंदौर में हम 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे इंदौर में जैन समाज के लोगों में अति उत्साह रहता है और यहाँ पर बच्चे बच्ची ज्ञान पाठशाला से महिला मंडल, पुरुष मंडल, बालिका मंडल, हमारे नौकर परिवार के सदस्य भगवान का रथ लेके पालकी लेके पीछे आ रहे हैं और समाज के लोगों में आज बहुत हर्षोल्लास है कि हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्मोत्सव है, दीक्षा कल्याणक है। मैं अखिल भारतीय मूर्ति पूजक युवक महासंघ से नीलेश सकलेचा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे जैन समाज के 24वें तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक दिवस है और प्रति वर्षानुसार अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन युवक महासंघ के तत्वावधान में जज रथ यात्रा निकलती आ रही है। उसी कड़ी में आज की रथ यात्रा अन्य वर्षों से बड़े पैमाने पर निकली जा रही है। भगवान आदिनाथ जिन्होंने असी मसीह और कृषि का संदेश दिया और उनके पुत्र के नाम से आज भारतवर्ष का नाम, उनके भरत के नाम से आज भारतवर्ष का नाम रखा गया, ऐसे प्रभु आदिनाथ का जन्म कल्याणक आप और हम सब मना रहे हैं। मैं आदिनाथ जन्म कल्याणक पर समस्त समाजजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।